नमस्कार दोस्तों, मेरा अगला विषय है शनि महाराज शनिदेव। तो शनि के बारे में एक वीडियो तो मैंने पहले बनाया तो था, तो एक मित्र ने पूछा, तो ठीक है मैं कुछ और एस्पेक्ट्स बताऊंगा। पराशर ऋषि ने बोला था कि शनि जो है वो परमात्मा का दुख है। परमात्मा का दुख? क्या परमात्मा दुखी हो सकता है? परमात्मा तो आनंद है, सच्चित आनंद है। तो ऐसा क्यों ऋषि ने लिखा या बोला? उसका कारण ये है कि शनि जो है ही इज़ द एस्पेक्ट ऑफ हमारा मन, हमारा कॉन्शियसनेस, जो क्रिएटेड एस्पेक्ट है। मतलब परमात्मा ओरिजिनल फॉर्म में सच्चित आनंद है, लेकिन जो उसने जिस गेम में हम हैं उसमें सारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो एक्सटर्नल जो भी दिखता है, जो बोलते हैं व्हाट इज़ अबव सो बिलो, सेम बैफोमेट की तरह। इल्यूमिनेटी में बैफोमेट का एक हाथ ऊपर रहता है, एक हाथ नीचे रहता है, एस अबव सो बिलो। तो शनि जो है उसके रिंग्स हैं, मतलब बाउंड्रीज क्रिएट करता है। शनि जो है वो दुख है, मतलब आप जब भी दुखी होते हो इसका मतलब है आप शनि को फील कर रहे हो। लेकिन शनि को आपको समझना चाहिए। शनि को उसकी माँ ने ही लात मारा, शनि ने अपनी माँ को लात मारा, शनि को स्टेप मदर टाइप का ट्रीटमेंट मिला, क्या बोलते हैं उसको, सौतेली माँ का ट्रीटमेंट मिला। शनि को उसका बाप सूर्य समझ नहीं पाया। फाइनली उसको सूर्य ने उसको बोला कि ठीक है मैम, सॉरी, मुझे समझ में आया कि तुम अकेले रह गए थे। तो बेसिकली क्या है कि मैं ज्योतिषी था इतने साल, पता नहीं कितने जन्म, फिर भी मैं शनि को समझ नहीं पाया। तो 2 साल पहले मैंने शनि को अपने हृदय में लिया और तब जाके मैं समझा कि शनि जो है वो प्यार का प्यासा है, वो प्यार का भूखा है। हाँ, वो हमें तड़पाता है इस दुनिया में, दुनिया का राजा है बेसिकली वो, क्योंकि शनि काल का ही एक एस्पेक्ट है, डेथ का एस्पेक्ट है। बट शनि इज़ एक्चुअली दुखी इसलिए है क्योंकि उसे कोई प्यार नहीं करता। वो शुक्र के घर में, शुक्राचार्य के घर, मतलब तुला राशि में वो उच्च का बैठता है, तो शुक्र उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वैसे शुक्र दानवों का गुरु भी है। तो शनि महाराज जो है वो तभी प्लीज होगा जब उसको कोई प्यार करेगा। हम सब जाके, बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं शनि को ठीक करने के लिए, हनुमान जी का पूजा करते हैं या उसका ये करते हैं, दैट इज़ लाइक कंट्रोलिंग शनि, मतलब शनि को नीचे रखने का। ऐसे मत करो। जब तक आप, मतलब शनि क्या है, शनि इज़ बेसिकली आपका दुख, राइट? तो दूसरों का दुख कम करो, दूसरों से प्यार करो। दूसरों का जब आप दर्द समझोगे तो शनि ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में नहीं रहेगा। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ शनि। सो ऑल दिस ग्रह, जब हम बोलते हैं प्लैनेट्स जो बोलते हैं, वो आप ही के अंदर के एस्पेक्ट्स हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, सूरज आपका इंटेलिजेंस है, चांद आपका फीलिंग्स इमोशंस है, शुक्र आपका सुख है, प्यार है, शनि दुख है। और आप तब तक दुखी रहोगे जब तक आप दूसरों का दुख नहीं समझोगे, दूसरों को आप दुख देते रहोगे अपने एक्शन से, तो शनि आपको तंग करेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो ये शनि का छोटा सा वीडियो। बाय द वे, मेरा टेक्निक थोड़ा डेंजरस है, जहाँ मैं बताता हूँ कि प्लैनेट को अपने हार्ट में फील करो। पहले आप अपने हार्ट को क्लीन करो, मतलब अपने दिल को साफ करो, फिर इन देवता लेवल पे जाओ अपने ध्यान में, फिर प्रतिथि देवता, मतलब सूरज, सूरज को समझो, अग्नि को समझो, फिर शिव को समझो। डायरेक्ट शिव के ऊपर जंप मत करो, इट्स नॉट डैट। और ये जो भी लोक हम बोलते हैं, ये सारे लोक नहीं हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस ओनली। जब आपका ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगा, आप तो दिखोगे नहीं शायद। मैं इसलिए, मेरा ऊर्जा बढ़ रहा है, शायद मैं 5 साल में गायब हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, आई डोंट नो। इसलिए मैं अपना ऊर्जा वेस्ट करते रहता हूँ, सो दैट आई कैन बी ऑन दिस अर्थ।
लोगों को मदद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।